हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, बढ़िया और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो भी राजस्थान कॉन्स्टेबल GD या फिर कॉन्स्टेबल ड्राइवर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी हाँ, कॉन्स्टेबल की जो 5000 वैकेंसियां निकली हुई राजस्थान में, उसके लिए जो प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों की, तो आज उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा कि पेपर कैसे होगा, पेपर कहाँ होगा, पेपर कब होगा, क्या सिलेबस है और क्या क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। ठीक है, इसकी पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो में आज देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कहीं किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो जाए। यदि कुछ और इसके अलावा यदि कुछ पूछना हो आपसे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछते रहिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर एग्जाम कब होंगे। तो देखो फ्रेंड्स, ये तो सारा का सारा जो है डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम कब होने कब नहीं होने, एग्जाम तो 1 साल 2 साल 3 3 साल तक रोक दिए जाते हैं, बट एग्जामिनेशन जो है ये काफी टाइम पहले से रुकी हुई वैकेंसी है। तो एग्जाम आप मान के चलिए कि 2020 के अंदर अंदर आपके एग्जाम होंगे ही होंगे। ठीक है, इसमें और ज्यादा डिले होने की कोई आशंका नहीं है। अब जैसे ही एग्जामिनेशन डेट आती है आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको अपने आप भी पता चल जाएगा मैसेज वगैरह से, और यदि नहीं पता चलता तो हम बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया कि एग्जामिनेशन कब होगा। इसके बाद आती है बारी एग्जाम कैसे होंगे। तो एग्जाम में आप लोगों को बता दूं, एग्जाम जो होगा वो OMR बेस होगा। ठीक है, आपको OMR बेस यानी कि जो ब्लैक और ब्लू पेन से जो टिक मार्क्स वगैरह करते हैं, गोले लगाने पड़ते हैं, आपको उस तरीके से आपके एग्जाम होंगे। तो एग्जाम कैसे होगा ये भी आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, और अब बारी आती है कि एग्जाम कहाँ होंगे। हमारे बहुत से फ्रेंड्स भाई लोग ये पूछते रहते हैं कि सर ये एग्जाम कहाँ होंगे कहाँ होंगे, और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है अदर स्टेट वालों को। जी हाँ, अदर स्टेट वालों की, वो पूछते रहते हैं सर एग्जाम कहाँ होंगे, कब होंगे, कैसे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जाम जो होंगे वो राजस्थान में ही होंगे। आपने अगर कहीं अदर स्टेट से भी अप्लाई कर रखा है तब भी आपको राजस्थान ही एग्जाम देने आना पड़ेगा। तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, जब इतनी ज्यादा वैकेंसी निकली हुई है तो एग्जाम देने के लिए राजस्थान भी आया जा सकता है। थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आपने जो तैयारी करी है उसका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। ओके, अब आपका हो गया कि एग्जाम कहाँ होंगे। अब इसके बाद जो बारी आती है वो आती है कि सर क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। ये भी बहुत से लोगों की टेंशन होती है, सर क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं यार, हमें पता ही नहीं, हम 100 में से 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं, अब क्वालिफाइंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो जनरल वालों के लिए, जनरल और OBC, ठीक है, जनरल और OBC वालों के लिए 40, ठीक है, यानी कि 40% मार्क्स आपको चाहिए। यदि आपके पास 40% मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे, यानी कि 100 में से आपको 40 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, और यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आप पहले ही जनरल में आ जाएंगे, चाहे आप अदर स्टेट के SC ST OBC फीमेल की कोई भी कैंडिडेट हो तो आप जनरल में वैसे ही काउंट हो जाएंगे, तो आपको भी 40% लेके आने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके बारी अब बात बारी आती है SC ST की। ठीक है, तो SC ST के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपके पास 36% मार्क्स हैं, ठीक है, 36% मार्क्स हैं तब भी आप इसमें क्वालिफाइंग कर जाएंगे। ठीक है, यदि 100 में से आप 36 क्वेश्चंस भी कर दे रहे हैं, मतलब मैं एक आपको प्रॉपर बता रहा हूं, वैसे तो जो ये एग्जाम है वो 75 मार्क्स का होता है, यानी कि आपके 36% आते ही आप इसके लिए क्वालिफाइंग कर जाएंगे। इसके अलावा ट्रिबल सब प्लान एरियाज हैं, ठीक है, और शहरियाज कैंडिडेट्स हैं जो बरन के, ठीक है, तो इनको जो है इनको कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, ये वैसे ही क्वालिफाइंग कर जाएंगे। ठीक है, इनकी कोई परसेंटेज वगैरह नहीं दी गई है। तो अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, बहुत से लोग सोचते हैं यार मैंने 100 में से 36 क्वेश्चन कर दिए, अब मेरा रिटर्न में क्वालिफाइंग क्यों नहीं करा। तो यार मैं आपको ये बता दूं, 5000 आपकी सीटें हैं, ठीक है, 5000 सीटें हैं, और जो बच्चे क्वालिफाइंग करने हैं PET PST के लिए, इस चीज का भी ध्यान रखिए, जो PET PST के लिए क्वालिफाइंग करेंगे वो 5 गुना बच्चे क्वालिफाइंग करेंगे, समझ गए, 5 गुना बच्चे, यानी कि अगर 5000 सीट है तो आपको 25,000 कैंडिडेट ही लिए जाएंगे PET PST के लिए, 25,000 से 35,000 के बीच में ही रहेंगे। ठीक है, 25 से 30, 30 से 32, सिर्फ इससे ज्यादा कोई कैंडिडेट नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा इनका क्राइटेरिया है, इसी हिसाब से बच्चे लिए जाते हैं। तो आप ये सोच के चलिए, यदि 5,000 बच्चे हैं और 5,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, ठीक है, तो और सभी ने 36 36 नंबर या 40 40 नंबर लेके आए तो सभी क्वालिफाई करके, जी नहीं,
खाली क्वालिफाइंग तो आप ये हो गया कि आप क्वालिफाइंग की लिस्ट में आ गए, बट जो मेरिट लिस्ट निकलेगी वो आपके मार्क्स के अनुसार होती है, ठीक है, आपके कितनी हाई मार्क्स है, ठीक है, हाई कट ऑफ, कितने हाई बच्चे, कितने लेवल, कितने बच्चे लिए जाने हैं, ठीक है, यदि 25,000 बच्चे लिए जाने हैं तो 25,000 ऊपर से लिए जाएंगे, ठीक है, 100 में से जिनके 80 होंगे, 90 होंगे, 85 होंगे, 70 होंगे, 60 होंगे, ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब बारी आती है सिलेबस की, जी हाँ सिलेबस की, सिलेबस यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चन आएंगे, किसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपका ये एग्जाम होगा वो 2 आवर्स का, 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का होगा, और 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने, जी हाँ आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस, यानी कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि एक मिनट एक क्वेश्चंस के लिए आपको एक मिनट भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो 150 क्वेश्चंस करने हैं, और जो मार्क्स हैं आपको वो मिलेंगे 75 मार्क्स, यानी कि 150 क्वेश्चन के 75 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन का आधा नंबर है, ठीक है, 150 क्वेश्चन के 75 नंबर मिलेंगे। और इसके अलावा जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग है यानी कि अगर क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, गलत करते हैं तो आप माइनस मार्किंग में चले जाएंगे, ठीक है, आपका जो है आधा मार्क्स कट जाएगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। यानी कि जो माइनस मार्किंग का मतलब ये होता है कि माइनस जो क्वेश्चन आपने गलत किया वो तो गलत हो ही गया, लेकिन जो क्वेश्चन आपने सही किया उसमें से भी आधे नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, चलिए इसके बारे में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए रिटन टेस्ट के बारे में दे रखा है, जो मैंने आप लोग को बताया था, जैसा कि 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, 25% मार्क्स काट लिए जाएंगे, माइनस मार्किंग 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 120 मिनट 150 क्वेश्चन करने। अब बात आती है फिर सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस को किस हिसाब से बांटा गया इसे थोड़ा गौर से देखिएगा। देखिए सबसे पहले जो है आपका रीजनिंग लॉजिक, ये लॉजिक क्या है, लॉजिक भी एक रीजनिंग का एक पार्ट है, ठीक है, रीजनिंग लॉजिक एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि टोटल मिला के आपका रीजनिंग प्लस कंप्यूटर आपका है 30 नंबर का, यानी कि इसमें से 60 क्वेश्चंस आएंगे, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी में से आएंगे, तो आपको रीजनिंग की पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, और कंप्यूटर की नॉलेज भी आप बुक्स वगैरह पढ़ते रहेंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगी, तो आपको क्वालिफाइंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखिए जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी एंड करंट अफेयर, तो ये तीन चीजें मिला के आपकी जो है ये 45 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो जनरल नॉलेज करंट अफेयर तो चलिए आप बुक्स वगैरह पढ़ते रहिए करंट के, ठीक है, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज तो खैर बहुत ही डीप चीजें होती है, ठीक है, बट आप इनके बुक्स पढ़ते रहिए तो 45 में से कुछ नहीं तो मैं समझता हूँ आपके 25 या 30 नंबर तो आने ही चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, कल्चर, राजस्थान, ठीक है, 45 नंबर का, और नो ये भी बहुत ही मार्क टेकिंग चीज है, ठीक है, जो भी राजस्थान के जो भी बंदे हैं वो मतलब इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो मैं अदर स्टेट वालों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी राजस्थान की जो बुक्स वगैरह जीके की बुक्स वगैरह परचेज कर लीजिए ताकि आप इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, 45 क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे, तो टोटल जो है आपको 150 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के, तो ये तो आपका जो है मार्क्स आने वाले मतलब सिलेबस। अब इसके अंदर डीपली हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और रीजनिंग में क्या क्या पढ़नी है, जीके, जनरल साइंस, करंट अफेयर में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, और इसके अलावा आर्ट एंड साइंस जो भी हिस्ट्री जो है आपकी राजस्थान की, इसके इसमें हमें किस किस चीज़ पे ज़्यादा डीप नॉलेज ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो मैं उसको अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आप पूरा का पूरा मैं इसका जो है सिलेबस की पूरा वर्णन कर दूंगा, ठीक है, किस चीज़ पे कितने क्वेश्चन हो, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है फ्रेंड, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम कहाँ होगा, कैसे होगा, कब होगा, और क्या सिलेबस है, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है वगैरह वगैरह सब कुछ पता लग गया, ठीक है, और इसके बाद आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। लेकिन बहुत से लोगों की दिक्कत ये होती है कि सर बुक्स वगैरह कौन चले, तो मैं आपको बता दूं प्रिपरेशन में बुक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, यदि आपके पास बुक्स सही हैं तो आप समझ लीजिए कि प्रिपरेशन में आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इधर से उधर भटकते रहेंगे। तो बुक्स के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दे रखे हैं, अगर आप चाहते हैं उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वेबसाइट से जाकर परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो। और फ्रेंड्स कुल मिला के यदि कोई दिक्कत आप लोगों को आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इसके बारे में, A to Z नॉलेज, ठीक है। और जाने से पहले मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज मुझे मिलती रहे तो मैं आप लोगों को अप टू डेट करता रहूं, क्योंकि ये जो एग्जाम है लंबा चलने वाला है। ओके फ्रेंड बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।